अब गरबा में भी होगी राजनीति, मनसे कराएगी मराठी गानों पर डांडिया। महाराष्ट्र में गठबंधन सहयोगी शिवसेना से रिश्ता तोड़ सकती है बीजेपी। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव के लिए शिवसेना बीजेपी ने बनाया नया अखाड़ा। नवी मुंबई के कलंबोली का वड़ा पाव बेचने वाला नाबालिगों के साथ करता था यौन उत्पीड़न। अब पानी की हर बूंद का हिसाब रखेगी बीएमसी। पिछले 3 सालों में न मिले हुए दिवाली बोनस पर बेस्ट कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से नाराज। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में कर सकते हैं हड़ताल। कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू होने से चारों तरफा बदबू फैलने के कारण कांगू डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ नागरिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रसिद्ध कवियत्री और लेखिका प्रज्ञा पवार ने अपने सारे पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार को दिए लौटा। पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए प्रियंका चोपड़ा हुई नॉमिनेट। अभिनेता अनुपम खेर ने की टिप्पणी, कहा पीएम नरेंद्र मोदी को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे अवार्ड लौटाने वाले। ताज़ा खबरें जानने के लिए डाउनलोड कीजिए मेरा इलाका एंड्रॉइड ऐप।